हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आई एम हियर विद द इंग्लिश कोर्स बुक। सो ऑल ऑफ यू, लेट्स ओपन योर इंग्लिश कोर्स बुक। सब लोग अपनी अपनी इंग्लिश की कोर्स बुक ओपन कर लीजिए। एंड विच चैप्टर इज रनिंग नाउ इट इज Chapter 3 is going on and name of the chapter is Ashok's Kite. Okay? So students, जैसे कि कल हम लोगों ने एक्सरसाइजेस किया था, कल हम लोगों ने एक्सरसाइजेस किया था ना, एज वी रीड एक्सरसाइज एंड ऑल्सो देर वॉज दी वर्ड मीनिंग। आई होप आप सब लोगों ने अपने अपने वर्ड मीनिंग एंड एक्सरसाइजेस कम्प्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। एंड देट वॉज ऑन पेज नंबर 29 एंड टूडे वी आर हेयर विद द पेज नंबर 30। आज हम लोग पेज नंबर 30 को रीड करेंगे, पेज नंबर 30 के एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। सो ऑल ऑफ यू कम ऑन पेज नंबर 30। ओके, नाउ स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट इज इन पेज नंबर, क्या है पेज नंबर आपका, आपके 30 में। चलिए हम देखते हैं, यहाँ देखिए, स्टार्ट करते हैं। लेट्स ट्राई फर्स्ट एक्सरसाइज, इट्स अबाउट यू। लुक एट द पिक्चर्स on page number 27 and 28 in this story and then answer these questions. Look at the pictures means आपके बुक में, आपके बुक में पेज नंबर 27 एंड 28 में जो स्टोरी आपको दी गई है, ठीक है ना, उसको क्या करना है, आप केयरफुली लुक कीजिए, केयरफुली उसको रीड कीजिए, केयरफुली देखिए and then answer these question and after that you have some questions here, you have to write down the answer of these questions by using the two pages, page number 27 and 28. Okay, means these are your question answer which we will do today. तो आज हम इन सारे question answer को complete करेंगे। So सबसे पहले हम question देख लेते हैं, क्या है, what does the shop sell that Ashok and his papa have gone to? What does the shop sell? Means shop जो है, shop पे ये तो क्या देख रहे थे हम लोग, what does the shop sell means जो shopkeeper है वो क्या चीज़ें sell करता है, क्या चीज़ें selling करता है, बेचता है, that Ashok and his father have gone to, जिसके लिए Ashok और उनके जो father हैं, उनके जो papa हैं, वो shop पे गए, ठीक है, ये आपका question है। and next question, what is in papa's hand means papa के hand में क्या है, पापा के हैंड में कोई चीज़ है, वो चीज़ क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डन, सेकेंड डन, थर्ड डन, वॉट हैज़ अशोक पेंटेड ऑन द काइट मीन्स अशोक ने जो काइट प्रिपेयर की है उसको, उस पर किस चीज़ का पिक्चर, विच पिक्चर, कौन सी पिक्चर उन्होंने पेंट किया है, कहाँ, वेयर ऑन द काइट, काइट पे। नेक्स्ट, हाउ डज अशोक लुक विद न्यू काइट, हाउ डज अशोक लुक विथ न्यू काइट मीन्स अशोक ने जो न्यू काइट प्रिपेयर किया है, जो मेक किया है, जो बनाया है, उसके साथ अशोक कैसे दिख रहे हैं, ही लुक्स हैप्पी, अनहैप्पी, सैड, अपसेट, ठीक है, ये सारे आपको आंसर्स बताने हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस ऑल द क्वेश्चंस यू आर जस्ट गोना टू गेट ऑन द बोर्ड, सो लेट्स स्टार्ट टू सी द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक आउट योर नोटबुक, नोटबुक, पेंसिल, ओके, एंड लेट्स एंड ओपन योर बुक ऑल्सो। सब लोग अपने 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 हैंड में पेंसिल ले लीजिए एंड देन ओपन योर नोटबुक ऑल्सो एंड यू मस्ट हैव टू ओपन योर बुक ऑल्सो। बुक भी ओपन रखिए, नोटबुक एंड देन पेंसिल एंड स्टार्ट टू राइट द क्वेश्चन आंसर विच यू आर गोना टू गेट नाउ। येस फ्रेंड्स, नाउ आई एम हियर विद योर क्वेश्चन आंसर ऑन द बोर्ड। यहाँ देख सकते हैं आप पेज नंबर 30, ओके, पेज नंबर जो आपका है वो 30 है। लेसन 3 इज गोइंग ऑन एंड एक्सरसाइज अबाउट यू, लेट्स ट्राई फर्स्ट, ये एक्सरसाइज आपकी है ना, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट दिस एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हियर। लुक एट द ऑन पेज 27 एंड 28 इन दिस स्टोरी एंड देन आंसर दीज क्वेश्चंस। जैसे कि जस्ट अभी हम लोगों ने रीड किया है ना बुक में, ओके,
ओके सो स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. देखिए आपका यहाँ पे पेज नंबर है, ठीक है ना, एंड लेसन है, सेम थिंग्स हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज दिस शॉप सेल दैट अशोक एंड हिज पापा हैव गोन टू. अशोक और उनके जो पापा थे वो शॉप पे गए. क्यों गए? जो शॉपकीपर है वो क्या सेल करता था? तो हमारे पास आंसर है. देखिए हम आंसर राइट करेंगे. आंसर, द शॉप दैट अशोक एंड हिज पापा हैड गोन टू सोल्ड कलर्ड पेपर. अशोक एंड उनके पापा जो गए थे शॉप पे, तो वो जो शॉपकीपर है वो क्या सेल करता है? वो सोल्ड करते हैं कलरफुल पेपर करते हैं. उनके पास बम्बू स्टिक्स हैं, टेप हैं एंड वाटर कलर्स हैं. तो इन सारी चीज़ों को क्या करने के लिए? परचेज करने के लिए अशोक एंड उनके पापा शॉप पे गए थे. ठीक है, देख लीजिए एक बार आंसर, फिर से देख लीजिए आप लोग. आंसर देखिए, द शॉप दैट अशोक एंड हिज पापा हैड गोन टू सोल्ड कलर्ड पेपर बम्बू स्टिक्स टेप एंड वाटर कलर्स. ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे. आई होप स्टूडेंट्स आप सबको अच्छे समझ में आ रहा है. ठीक है, अगर प्रॉब्लम अगर आपको होती है स्पेलिंग में तो आप अपने बुक से हेल्प ले सकते हैं. ठीक है ना, ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. चलिए मूव, व्हाट इज इन पापाज हैंड. पापा के हैंड में क्या है? पापा के हैंड में क्या है? आंसर इज दिस ऑफ क्वेश्चन. आंसर, पापा हैज इन हिज हैंड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बाय. पापा के हैंड में क्या है? एक लिस्ट है. और लिस्ट किन चीज़ों का है? वो लिस्ट थिंग्स का है जो कि पापा एंड अशोक, बिकॉज अशोक ही जस्ट गोइंग टू मेक अ काइट ना, एंड फॉर दैट ही नीड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही नीड्स सो मेनी मटेरियल्स. सो उसके लिए क्या करते हैं अशोक और उनके पापा? दोनों शॉप पे जाते हैं, मार्केट जाते हैं, वहाँ से मटेरियल्स को परचेज करके लाते हैं. ठीक है ना, तो सबसे पहले अशोक के पापा ने क्या किया है? एक लिस्ट प्रिपेयर किया है, जो भी थिंग्स उनको परचेज करनी थी ना उसका लिस्ट प्रिपेयर किया है. एंड देन दे वेंट टू द शॉप फॉर बाइंग द थिंग्स को बाय करने के लिए वो लोग गए हैं. ठीक है, आंसर है, पापा हैज इन हिज हैंड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बाय. नाउ क्वेश्चन नंबर वन ऑफ आंसर नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू ऑफ आंसर नंबर टू. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना, ओके. नाउ वी विल सी द रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर. रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर. चलिए हम उसको देखते हैं अब. मूव नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री. यहाँ देखिए सेम थिंग्स आपकी हैं. यहाँ देखिए क्वेश्चन, यू हैव योर लेसन थ्री, पेज नंबर सेम. ओके, टुडेज डेट इज यू हैव एंड नेक्स्ट वन यू हैव अशोक्स काइट. अशोक काइट चैप्टर नेम. क्वेश्चन नंबर थ्री वॉज रिमेन. स्टार्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन. व्हाट हैज अशोक पेंटेड ऑन द काइट. अशोक ने काइट पे कौन सी पिक्चर को ड्रॉ करके पेंट किया था? आंसर यू हैव, अशोक हैज पेंटेड एन ऑरेंज सन विथ वेवी रेड हेयर. अशोक ने एक ऑरेंज कलर की सन को उस काइट का जो पेपर है उस पे एक ऑरेंज कलर के सन को ड्रॉ किया विद वेवी रेड हेयर. और उसको किस कलर से उन्होंने पेंट किया था? विद रेड. उसका जो हेयर था ना उसको रेड कलर से उन्होंने, डार्क रेड कलर से उसको पेंट किया था. एंड अ ब्लैक मुस्टैच, एंड ऑल्सो ही हैड गिवन अ ब्लैक मुस्टैच, और एक बड़ा बिग मुस्टैच भी है वो भी क्या किया था उसको? ऐसे इस टाइप से, ऐसे देखिए मुस्टैच है आपके बुक में, ऐसे है ना, ऐसे मुस्टैच बना हुआ है. ठीक है ना, इस तरह से मुस्टैच भी किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था. वेयर ऑन दी काइट मीन्स ये सारी चीज़ें इन्होंने पेंट किया था. आंसर, अशोक हैज पेंटेड एन ऑरेंज सन विद वेवी रेड हेयर एंड अ ब्लैक मुस्टैच. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाउ डज अशोक लुक विद हिज न्यू काइट। अशोक जो है वो अपने न्यू काइट के साथ ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर रीडिंग दिस क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज, क्या हम लोग रीड कर रहे थे, हाउ डज अशोक लुक विद हिज न्यू काइट। अशोक जो है वो अपने न्यू काइट के साथ कैसे दिख रहे थे, हैप्पी थे, सैड थे, अपसेट थे। ओके, वी विल सी टू दैट वन। देखते हैं आंसर। अशोक लुक्स वेरी हैप्पी विद हिज न्यू काइट। मीन्स अशोक एंड उनके पापा ने जो काइट प्रिपेयर किया था, जो काइट बनाया था, उसके साथ क्या था, अशोक जो है वो बहुत ही खुश थे। अशोक जो है ही लुक्स वेरी हैप्पी, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी दिखते हैं विद हिज न्यू काइट। ओके, अपने न्यू काइट के साथ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ बीन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर, आंसर इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर, आंसर इज क्लियर। ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर, आंसर इज हियर। क्वेश्चन नंबर 4 विद दिस आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल राइटिंग दिस क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट्स, क्या करना है आप सबको, आप सारे स्टूडेंट्स को इन सारे क्वेश्चन आंसर को अपने नोटबुक में क्या करना है, क्लियरली राइट करना है। ठीक है ना, इसको अच्छे से क्लियरली क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। ठीक है, विद द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग के साथ इसको राइट कर लेंगे अपने नोटबुक में। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर नोटबुक, आप लोग अपने अपने वर्क को अपने अपने स्कूल के एप्लीकेशन के थ्रू मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, और आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को भी अच्छे से लर्न कर लेंगे। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज टुडेज़ वर्क विच यू हैव टू डू इट इन देयर। कहाँ करना है, अपनी नोटबुक में करना है। सो स्टार्ट टू डू इट एंड द नेक्स्ट डे वी विल कम और आई विल कम विद अ न्यू टॉपिक। ओके, विद अ न्यू थिंग्स। सो टिल देन, नाउ थैंक यू, हैव अ good day।